हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एयरटेल थैंक्स ऐप। योर हैंडसेट डज नॉट सपोर्ट 5G। अगर आप अपने एयरटेल की सिम में 5G यूज़ करने की कोशिश करो, अपने डिवाइस में अपने एयरटेल की सिम डालिए और 5G यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा रहा है, इसका क्या रीज़न है और सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही है कि मैं अपने जो डिवाइस में वो 5G उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो कैसे इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करा, वो इसका रीज़न क्या है प्रॉब्लम का, इसका सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जीरो टू इन्फिनिटी को। दरअसल होता गया कि जो आपके जो एरिया में जो 5G का सिग्नल है वो भी फ्लक्चुएट करते हैं और आपका जो डिवाइस है वो भी 5G सपोर्ट करते हैं पर वो प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं करता है। वो LTE ही होगा क्योंकि अभी कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो दावा करते हैं कि वो 5G सपोर्ट करते हैं पर वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते हैं। और आपके जो एरिया में जो नेटवर्क फ्लक्चुएट करते हैं, प्रॉपर 5G के नेटवर्क नहीं है, जिसके कारण जब आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो कभी 4G पे ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है और भी कभी 5G के सिग्नल आते हैं। तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपके जो डिवाइस है वो 5G प्रॉपर सपोर्ट नहीं करता हो और आपके एरिया में जो नेटवर्क है 5G के वो भी फ्लक्चुएट करे। तो मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे 5G के प्रॉपर सिग्नल हो, उससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। अगर आप किसी और डिवाइस में अपने सिम को यूज़ करें जो 5G सपोर्ट करती है तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।